अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर है 19। टॉपिक है आपका एन एग्जीबिशन। एन जो है वो आपका एक आर्टिकल है, जिस तरह आपने आर्टिकल्स पढ़े थे ए एन एंड द, यहाँ पे आर्टिकल यूज़ हुआ है एन एग्जीबिशन, एक नुमाइश। नुमाइश क्या होता है कि ज़ाहिर करना किसी भी चीज़ को, कि जो लोग होते हैं वो एक चीज़ ज़ाहिर की जो होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी की होती हैं, उसको देखने के लिए लोग जमा होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपनी चीज़ें इकट्ठी करने का शौक़ होता है जिन्हें, वो मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी करते हैं और एक एग्जीबिशन शो करते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें, मिस्टर काजी जो है यहाँ पर मेजर करेक्टर है। मिस्टर काजी जो है वो अपने स्कूल क्लास को लेकर विज़िट करने के लिए पार्क में गए थे। मिस्टर काजी जो है वह स्टैंडिंग खड़े थे बिफोर इस क्लास, अपनी क्लास के सामने। मिस्टर काजी जो है वह स्टैंडिंग खड़े थे। वह स्टैंडिंग जो है वो आप लोगों का है पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस है। वाज आपका पास्ट का है, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया है तो ये आपका सेंटेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूस। मिस्टर काजी वाज स्टैंडिंग खड़े बिफोर इस क्लास, अपनी क्लास के सामने। मिस्टर काजी आस्क्ड, काजी ने पूछा। आस्क्ड यहाँ पे जो है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट है। आस्क्ड जो आप सिंपल फॉर्म है वो आपकी आस्क है, सेकंड फॉर्म अपने पास्ट इंडेफिनिट भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे है आस्क्ड पूछा। मिस्टर काजी आस्क्ड पूछा, डिड यू इन्जॉय, क्या आपने लुत्फ उठाया, लुत्फानंदोज़ हुए एग्जीबिशन नुमाइश से यस्टरडे कल। यस्टरडे जहाँ पर ये वर्ड है ये आपका है एडवर्ब ऑफ टाइम, यस्टरडे मीन्स के गुजरा हुआ आप लोगों का कल है, तो यहाँ पे जो उन्होंने इंजॉय किया था एग्जीबिशन में तो वो उनका गुजरा हुआ कल है, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। ऑल हैंड्स तमाम हाथ, वेंट अप उठ गए टू से कहने के लिए, यस जी हाँ, गुड जी हाँ, गुड बहुत गुड या बहुत अच्छा, सेट कहा मिस्टर काजी, मिस्टर काजी ने कहा बहुत अच्छा। वट डिड, यहाँ पे वट डिड यूज़ हुआ, अगर आपका सिंपली डिड यूज़ होता है तो ये आपका इंट्रॉक्टिव होना था, यहाँ पे वट डिड है तो वट डिड जो वर्ड है वो आपका डबल इंट्रॉक्टिव है। सिंपल इंट्रॉक्टिव आपका डिड है, डिड के साथ आपने वट भी यूज़ किया है तो ये आपका क्या बन गया, डबल इंट्रॉक्टिव सेंटेंसेस। वट डिड यू लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन, अकबर, अकबर आप नुमाइश में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को पसंद किया या किस चीज़ से मुतासर हुए। अकबर स्टूड अप, अकबर खड़ा हुआ। एंड सेड और कहा कि आई लाइक पेंटिंग्स, मुझे पेंटिंग या तस्वीर कशी बहुत पसंद है या मैंने बहुत पसंद किया। ये पास में बात हो रही है, जैसे से आपको सिंगल सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। आई लाइक पेंटिंग, मैंने तस्वीर कशी को पसंद किया या मुसफर कशी को, द बेस्ट बेहतरीन सर जनाब, कहते कि मुझे तस्वीरें बहुत पसंद हैं इसलिए मुझे वही सबसे ज़्यादा पसंद है। दे लुक्ड सो ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत दिखाई दी। वाई डिड यू, ये देखिए वाई डिड यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ तो ये भी आपका क्या है, डबल इंट्रॉक्टिव सेंटेंसेस है। यू लाइक द पेंटिंग्स, कहते कि मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो क्या पसंद आया था, तस्वीर कशी करना, मुसवराना, जिस तक जो पेंटिंग्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं उन्हीं से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। अकबर, अकबर पेंटिंग इज़ माई हॉबी, पेंटिंग जो है वो मेरा मशगला है या तस्वीर कशी या मुसवराना मेरी मशगला है। एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन, मैंने एक अच्छा मजमुआ किया हुआ है ऑफ पेंटिंग्स, तस्वीरों का, ऑफ माई ओन, कहते मुझे तस्वीरें इकट्ठा करना पसंद है तो इसलिए मैंने उनका एक अच्छा खासा मजमुआ जमा किया हुआ है। रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट, रिजवान इसके बाद खड़ा हुआ। स्टूड सेकंड फॉर्म है, स्टूड की फर्स्ट फॉर्म जो है वो स्टैंड है। रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट, उसके बाद रिजवान खड़ा हुआ। आई लाइक, मुझे पसंद है ये मैंने पसंद किया था, रॉक्स चट्टान होते हैं ये पत्थर, बेस्ट बेहतरीन। ये देखिए रिजवान को रॉक्स पसंद है तो उन्होंने ये शेप सी, ये सारे रिजवान ने इकट्ठे किए हुए हैं। यू सी आप देखते हैं, आई कलेक्ट मैंने जमा किए हुए हैं रॉक्स पत्थर टू बी, देखिए रिजवान ने जो किए हुए हैं वो इसने यहाँ पर शो कर दिए हैं कि किस तरह के ये डिफरेंट काइंड है यहाँ पे रॉक्स की, और ये इसलिए इसको कलेक्ट किए हुए हैं। आई हैव बीन डूइंग सो, हैव बीन डूइंग यहाँ पे जो है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस है। हैव आपका जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन के बाद उसने आईएनजी वाले फॉर्म यूज़ किया तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस। देयर आई हैड नेवर सीन बिफोर, कहते मैंने इससे पहले कभी भी, या आई हैव बीन डूइंग सो सिंस माई चाइल्डहुड, कहते मैं बचपन से ही ऐसा कर रहा हूँ। इट इज़ माई हॉबी, ये मेरा मशगला है। बट लेकिन द रॉक्स पत्थर, देयर आई हैड नेवर सीन बिफोर, आई हैड पीछे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। हैड जो है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट में आप थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या यूज़ हुई है, सीन। आई हैड नेवर सीन, मैंने इससे पहले इसको कभी नहीं देखा। आप लोगों का क्वेश्चन है व्हाट इज़ अकबर्स हॉबी, अकबर का मशगला क्या था, तो आपने क्या करना है,
व्हाट इज़ अकबर्स हॉबी. अकबर्स हॉबी इज़ पेंटिंग. आपने पीछे पैराग्राफ में पढ़ा है कि अकबर को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, पेंटिंग. डायरी के आपके पेज नंबर 20 है. आपने अपनी ट्रांसलेशन लर्न करनी है, प्लस रीडिंग पर्सनल लर्न प्लस राइट.